का स्वागत है। और अभी लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक लड़के को कुछ युवकों के द्वारा पीटा जाता है, साथ ही साथ उस समय उसकी माँ और उसकी बहन बीच बचाव में आती है, लेकिन उस काफ़ी ज़्यादा संख्या होने की वजह से युवकों के वो उसको काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं बहन बीच में आती है और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या होने के कारण युवकों की वो बच नहीं पाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। तो अभी हम उस लड़के से भी आपकी बातचीत कराएंगे और जो लड़के की माँ थी उससे भी हम आप लोगों की बातचीत कराएंगे। से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं और एक आपको इसमें लड़का दिख रहा है और एक महिला आपको दिख रही है, और जो ये लड़का है और जो महिला है इनके साथ मारपीट हुई है, किसने की है, कब की है और कहाँ से है वो अभी हम जान लेते हैं। हाँ जी भाई, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? रात के टाइम में बैठे थे, खेल रहे थे, वो जुआ चला रखा था उन्होंने, मैं जा रहा था वहाँ से, मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे साथ हत्थापाई कर दी, मारने चालू कर दिए, फिर मैंने मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुई, उसने हमारे जी मेरे मैंने भी मार दिया जी। उसका T2 नाम है जी, इमाम साहब पे रहता है जी। ठीक है जी, क्यों, क्या हुआ, कैसे, क्यों ये मारपीट, क्या बात हुई, कुछ कहा सुनी हुई थी या ऐसे ही? ऐसी हो गया था जी, बस उसको किला सर आता जी, हम भाई किलसा पड़ा था जी, मेरे से पता नहीं किस बात से, और उसने थप्पड़ चट्टू मारे जी, लात गुस्से मारते, फिर मैंने भी उस पर हैवी हो गया जी, मैंने भी मार दिया जी उसके, मैंने भी मार दिए थे जी उसके। तो उसके मारने के बाद अगले दिन मुझे दोपहर में साजिद बुला रहा दुकान में से, ताड़ के बंदे ने किसी ने मुठभोरी दे दी मेरी, और मुझे 20-25 बंदों ने मिलेटा मारा। तो बाद में मेरी मम्मी आई थी, मम्मी के भी साथ हाथा पाई टी जी, यहाँ भी हाथ में सारी जगह लट मार रखे जी, आँखों पे जी, पैरों पे भी लट है। मैं तो अपने लड़के को बचाने गई थी और साथ में मेरे को भी मारा, मैं तो अपने लड़के को बचा रही थी। कितने दिन पहले की बात है ये? परसों की बात है जी। क्या समय रहा है? परसों तीन का, तीन ढाई तीन का टाइम होगा। कौन सा थाना आपका? किसने पूरा पानी पचोन की। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई कर रखी है जी, अभी तक तो अभी तक नहीं हुई कोई भी, अभी तक कोई हो गया, मैंने अभी कुछ भी नहीं हुआ जी, उन्होंने ना ठाया जी ना कुछ, ना मेरा पैसे भर दिए 50,000 रुपये जी, उन्होंने सुनाई मारी जी के 50,000 रुपये दे दे, हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस वाला कोई लापरवाही कर रहा है जी, सुशील नाम का जी, पूरी लापरवाही कर रहा है जी, कभी ढील पड़ रहा है जी, बंदे थे जी सारे, करवा लो जी, हमारा कोई क्या करवाओगे, जो मर्जी करवा लो मेरे साथ, जैसा मर्जी करवा लो, मैंने मैं झेल लूँ अड्डे तक की, चाहे 1,00,000 लड़ा है चाहे 2,00,000 लड़ा है, मैं निपटा लूँगा, मुझे तो जान से मारने की धमकी दे रही थी, जान से मारते जी, डर वाले ना आते ना जी सारे चिपटे, जब उन्होंने मारने, पहले आप जानते हो उनसे या पहले भी कभी लड़ाई हुई आपकी? कभी लड़ाई नहीं हुई, भाईचारा था जी, पहले भाईचारा था, बस उसने भाईचारा समझा नहीं, उसने तो थप्पड़ चट्टू मारे जी, फिर मैंने हाथ, जानते हो आप उसे? हाँ जी जानता हूँ, सबको जानता हूँ, जितने भी बंदे लाया था सारों को जानता हूँ जी, पूरे इमाम साहब पे रहते हैं जी सारे टिल्ले ऊपर जी, जाटर रोड इमाम साहब पे जी, सने चौक के पास जी एरिया पड़ता है जी, वो पूरा मोमदन, उन्होंने सारों ने साजिद कर, पहले भी कभी ऐसे कहा सुनी हुई हो या लड़ाई हुई हो कभी? नहीं जी, पहले कभी नहीं हुआ जी, उससे कुछ भी बात नहीं हुई जी ऐसी, तो पहले जी उसकी पहले और किसी से हो रही है जी, और दूसरों को दबाता रहा उस पर, तो 2-4 केस तो बात हुई होगी, अब ऐसे तो कोई किसी को राह चलते छेड़ता नहीं है, रात चलते तो छेड़ते नहीं जी, मैंने क्यों जुआ खेल रहे थे जी, रात के टाइम मैं बीड़ी माचिस लेने रहा था, मैं थोड़ी देर बैठ गया, उसने हाय चल लो पूछ लिया, मेरे से बोलने लगा, तो 10 जने जीते पड़े थे उसके पैसे, मैंने बस नहीं पूछ लिया जी, मैंने टाल T2 मेरे तो ट्रॉली देता, उसने हत्थापाई कर दी, थोड़ी देर बाद ही हत्थापाई कर दिया, फिर मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुई जी, मैंने भी कर दी उसके साथ, उसके चोट लड्डी माथे पे जी, नीचे गिर जाता जी, उसके माथे पे ईट सी लड्डी, पता नहीं क्या लड्डा, उसने समुंदर में मुझे दोपहर में सारों ने मिलटा 20-25 जने बुला रहा, मुझे दुकान में से ताड़ रहा, तोड़ फोड़ सारा बढ़िया तरीके से, पता था कि आपके ऊपर ऐसे हमला भी हो सकता है? कुछ नहीं पता जी, कुछ भी नहीं पता था, मैं तो अपने भाई के पास बैठा था दुकान में यार, दोस्त के पास बैठा था जी, वो आए जी ये साथ, बस 15 मिनट में मेरे साथ ऐसा सीन तरीके से ले रहे थे जी, मेरे भी, मेरी सिस्टर के भी और मेरी मम्मी के भी, मम्मी तट्टे भी लट, हाथ पैरों में ना पैरों मार रखे जी, बाल बुल पड़ रही फैटा मारी जी, मेरे मैं तो रोड पे पड़ा था जी बीच में। अच्छा आंटी जी, इसने जो आपका लड़का है अनिल, इसने बताया था आपको कि इस प्रकार का कोई कहा सुनी हुई है, मारपिटाई हुई है? नहीं बताया मेरे को, नहीं, हमें नहीं पता थी, छोटी मोटी बात हो गई जी, कोई बात नहीं, माँ बाप से नहीं बताते हम, तो ये अनसुनी करके रह गया, इसको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसे करेंगे यार दोस्त जो हैं मोहम्मद, उन्होंने ये सोचा कि भाई
इनसे माफ़ी मंगवा लेते हैं। तो माफ़ी मंगवाने के बहाने इसको बुला के ना, और 15-20 जने आके लड़के मारने लगे इसको। मैं घर पे सोया था रात की ड्यूटी लगा के, तो मेरी घरवाली बाहर गई, तो बाहर जाके देखा झगड़ा हो रहा है, ये लड़के के ऊपर औंधी पड़ गई, तो इसके पीठ पे, पेट में, मुँह पे, सारी जगह डंडे मार रखे, हाथ पैरों में भी, और कोई सुनवाई नहीं करी। भीड़ बहुत हो गई थी वहाँ पर, सब तमाशा देख रहे थे। फिर उसके बाद दुकान वाली ने हमको कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पास सामान लेने आए थे ये बच्चे, और सामान लेते हुए हम वहाँ आके मारदात कर दिए इन्होंने, तो अब हम अपनी दुकान की रिपोर्ट करने जा रहे हैं, आप मेडिकल बनवा के आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो जी उन्होंने भी रिपोर्ट करी है दुकान की अपनी, कि हमारी दुकान में ग्राहक को मारपीट गए हैं, और इसके दुकान में अनिल बैठा था। हाँ जी, अनिल बैठा था, उस दुकान में मारपीट करी है, सारी दुकान सामान तोड़ दिया है। अब वो फ़ोन करके ये कह रहे हैं दुकान वालों से कि तुम्हारा हर्जाना हम दे देंगे, तुम ये केस वापस करवा दो समझौता के लिए। हाँ, समझौता के लिए, मगर हम समझौता करने के लिए राजी नहीं है जी। मैं समझौता नहीं करने राजी, मुझे चलान चाहिए जी उनके सारों के जी, जितने बंदे 20-25 सारों को मैं घर से उठवाऊंगा जी। क्या भी कभी उन्होंने ऐसे किसी के साथ मारपीट वगैरह की हो? जी बंदे के साथ रही थी, 32 में एक बंदा रहता है जी, उसके साथ चोरी का केस लगा दिया था, चैन तोड़ने की टीटू होंगे जी अपने गले में पैर था, और 4-5 चैन, तो उस दिन तो पैर भी नट्ठी थी, एट पे तो चैन का आरोप लगा दिया, और चैन जो ऊपर से सीधे पैसे खा लिया, उससे फैसला लगा रहा जी, ऐसा चैन का आरोप लगा रहा जी, ऐसा उल्टा जी। वो ऐसी लड़ाइयाँ करता फिरता है, कसपंगा कर लेता है। इमाम साहब पे भी एक दो बार पहले झगड़े कर चुके हैं, तलवार बदमाशी दिखाता है जी, टाइम भी नहीं रुकता, पूरे इमाम साहब पे जा रहे देख लो, पूरा नाम है उसका, सारे डरते हैं, मैं नहीं डरता जी उससे, मैं इसलिए लड़ पड़ा था, मैंने मेरे जितना बर्दाश्त हुआ था जी, मैंने फिर नहीं हुआ था जी मेरे पास बर्दाश्त जी, फिर मैंने भी हाथ पहले मारपीट उसने करी थी, माँ बहन की गाली दे रहा था, वीडियो है जी मेरे पास, वीडियो है, सीडी कैमरे की है जी, मेरे तो जहाँ मारा है ना जी, वहाँ मेरी मम्मी की भी है, सारे जितने 20-25 बाढ़ है ना जी, सारे आ जाएंगे उस वीडियो में, मैं आपको वीडियो दूंगा जी। और अभी लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक लड़के को कुछ युवकों के द्वारा पीटा जाता है, साथ के साथ उस समय उसकी माँ और उसकी बहन बीच बचाव में आती है, लेकिन उस काफ़ी ज़्यादा संख्या होने की वजह से युवकों के वो उसको काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं। लाइव तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, बहन बीच में आती है और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या होने के कारण युवकों की वो बच नहीं पाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। तो अभी हम उस लड़के से भी आपकी बातचीत कराएंगे, और जो लड़के की माँ थी उससे भी हम आप लोगों की बातचीत कराएंगे। ठीक है जी सर, अनिल नाम है जी मेरा।